भिंड जिले के ग्राम मुरलीपुरा में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला देहात थाना क्षेत्र के ग्राम मुरलीपुरा का है, जहां एक 28 वर्षीय गोपाल शर्मा नामक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक स्मैक का नशा करता था और देर रात अपने दोस्तों के पास से लौटा था। उसके बाद उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और जब सुबह परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि मृतक गोपाल के परिजनों ने उसके दोस्तों पर मारपीट और हत्या करने का आरोप लगाया है। बताए माता जी, क्या नाम है आपका? कविता शर्मा। कविता जी, ये जो आपका बच्चा है गोपाल, ये कितने बजे से गायब था सुबह? 6 बजे से। कितनी तारीख को? 10 बजे। 10 तारीख को सुबह से गायब था। फिर ये कब आया घर पे? रात को 10 बजे। अच्छा, हमने कॉल किया तो इसका मोबाइल दूसरे लड़के में था और इसने इससे बात नहीं कराई। अच्छा। और फिर एक घंटा बाद हमारा पीटी करके इसको हमारे दरवाजे छोड़ गए, हम अंदर आए थे। आपके बच्चे की मारपीट किसने की? अब वही लड़के ने, दोनों। कौन कौन ये दो लड़के, जानते हैं आप उनको? भाई नाऊ का और भाई पंजाबी। पंजाबी कौन है? भाई दोनों है जिन्हें हम जानते कौन है। अरे, आपका बच्चा कोई नशा वगैरह भी किया करता था? हाँ, पहले से करता था। काय का नशा करता? स्मैक का। स्मैक का, तो ये घर पे ही खत्म हुए? नहीं, घर पे ही। रात को तबीयत इनकी बहुत सीरियस थी, हमने देख नहीं पाई कि क्या बात है। सो गया हमने कि रोज की तरह होएगा। सुबह देखा तो हॉस्पिटल में ले आए हैं, मेरे तो घोषित कर दिया। अरे, इसकी पुलिस कंप्लेंट की आपने? नहीं, लिखाई होगी कुछ, अभी नहीं लिखाई। अभी पुलिस कोतवाली में कोई कंप्लेंट नहीं की? तो क्या लगता है आपके बच्चे के साथ में क्या हुआ है? कोई दुर्घटना हुई है ना? दुर्घटना हुई है, मतलब उसकी हत्या हुई है? हाँ, हत्या हुई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस भी PM रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अभी जानकारी मिली इनके परिजनों से कि समय कोई संदिग्ध व्यक्ति वस्तु खा के उसकी मृत्यु हो गई है, तो अभी PM कराते हैं। PM कराने के बाद जो भी आएगी मर्ग जांच में लेके जो भी तथ्य आएंगे उस प्रकार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनकी माँ का आरोप है उन्हें जहरीला पदार्थ देकर मारपीट कर उनकी हत्या की गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे जाँच में, वो सामने आके जो भी निकलेगा वैधानिक कार्रवाई करेंगे। भिंड से इमरान अली खान की रिपोर्ट।